What's up viewers, welcome back in a new game. आज हम खेलने जा रहे हैं एक स्टोरी गेम जिसका नाम है पैलेस ऑन द हिल। और ये जो कैरेक्टर जो आपको बेड में लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये है हम और हमारा नाम है वीर। और अभी फिलहाल गेम को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, मेरे हिसाब से उसके सपनों में है और इस गेम का नाम पैलेस ऑन द हिल्स इसलिए है और कि आपको जो पहाड़ के ऊपर दिख रहा है ये कार्सल, ये पैलेस है ऑन द हिल। तो गाइज अभी गेम स्टार्ट कर दिया और हमारा वीर उठ चुका है। इसका मैं आपको ड्रीम बता दूं, इसका ड्रीम था एक आर्टिस्ट बनना और ये आर्टिस्ट बनना चाहता था, बट ये क्या है, व्यू फ्रॉम विंडो। अच्छा, आई वेक एवरी मॉर्निंग, आई वास्ट टू एक्सप्लोर माई बैक यार्ड टू फाइंड रेफरेंस फॉर द पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग के लिए रेफरेंस चाहिए, बैक यार्ड में देखता है ताकि अच्छी से अच्छी पेंटिंग बना सके। इसका पेंटिंग बनाने का मन है बहुत दिनों से। अभी फिलहाल मैं दिखाता हूँ इसके कितने अवार्ड्स हैं। अच्छा, कला आर्ट कॉलेज रैंक नंबर 1 इन दिस कंट्री। गाइज इसके देखो आर्ट की कितनी अच्छी मार्क करके रखा है कि ये आर्ट एक है, आर्ट की शैलियों प्रतियोगिता टाइप है ना। तो ये रहे उसके अवार्ड, रेनबो आर्ट कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज था एंड बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th वीर ही था। और अभी चलते हैं फिलहाल नीचे। हाँ, तो मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूँ। हम आ चुके हैं अपने घर के नीचे और हमारे पिता के ऊपर है बहुत सारा कर्ज, यानी इसके फादर के ऊपर है कर्ज। और इसके फादर कहते हैं आज तुम कॉलेज नहीं गए। और अच्छा, मैंने बातचीत कर ली, इनके फादर कह रहे हैं हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज है और उसे उतारने के लिए हमें खेती करना पड़ेगी। इस साल खेती में कुछ हुआ नहीं, तो फटाफट से हम चलते हैं फार्म की तरफ। इनसे पहले पूछ लेते हैं खेती कैसे की जाती है और फटाफट से क्लिक करते हैं अबाउट द प्लांटिंग, पूछते हैं करें गो अहेड एंड प्लांट दैट 2 seeds packet in that patch over there. Alright, अभी फटाफट से चलते हैं अपनी ये फील्ड है जो इसमें बोते हैं। Alright, अभी गाइज मैं प्लांट कर रहा हूँ ये टोमेटो सीड्स, आगे करते हैं बिल्कुल यहाँ पे। ओके क्लिक। और गाइज अभी ये शवल से खोदेगा और बीज प्लांट कर देगा और हमारी जो है ना खेती शुरू हो जाएगी। पानी देना है और मैंने देख लिया था, अब घर से आ रहे थे तो अच्छा बैकयार्ड में इसके एक हैंडपम्प है। खिड़की के यहाँ से देखो गाइज हल्का से दिख रहा है हैंडपम्प का डंडा, तो वही है। तो अभी हमें हैंडपम्प चलाना पड़ेगा तब हम वाटरिंग कैन कर। अच्छा ऊपर नीचे। ओ टैप रिपीटली टू प्राइम द पंप। अच्छा हमें पंप चलाने के लिए खुद चलाना पड़ेगा, नीचे करने ऊपर वो जा रहा है। फटाफट से गाइज हमारा पानी आ चुका है और हम पानी कलेक्ट कर लिया है। तो इसको आर्टिस्ट बनना था और इसको बहुत सारा काम है, इसके पापा के ऊपर कर्ज है तो वो चुकाने के लिए खेतों में काम करता है एंड दुकान में काम करता है। और इसके पापा ने कहा है मार्केट जाना खेती के बाद, सैम से मिलना क्योंकि मैंने उससे तुम्हारी जॉब के लिए बात की थी। और हमने अभी अपने फादर को बाय बोल दिया। और ये अंडे कैसे रखे हैं, क्या मैंने फोड़ सकता हूँ थोड़ी मजे का कि नहीं। वीर बहुत सीधा साधा सज्जन व्यक्ति है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और ये वाह यार अच्छी अच्छी मिट्टी के पॉट हैं, देखते हैं ये कौन है अंकल आंटी। आंटी मैं अंदर आ सकता हूँ, बहुत अच्छी आंटी है, कोई नहीं हम अंदर आ गए हैं। लता आंटी हैं ये हैं राज अंकल। और इनका गाइस बैकयार्ड ही बहुत अच्छा है। ओ भाई क्या मैं यहाँ से दीवार टाप के जा सकता हूँ, नहीं। और क्या नदी से तैर के चला जाऊँ, नहीं जा सकते। गाइस ये सब छोड़ते हैं एंड फटाफट से चलते हैं मार्केट की तरफ। और राइट गाइस अभी मैं मार्केट आ चुका हूँ। ये जो रिवर के ऊपर पुल था, ब्रिज था, इसको नाक के एंड इसको टाप टूप के बाहर आके ये सरता आंटी हैं। सैम कोई अंकल का नाम होगा। ओके ये रहे सैम अंकल, इनसे बातचीत करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे ए वीर आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था तुम्हारे फादर ने कि मैं समस्या समझ सकता हूँ एंड मैं तुम्हें एक पार्सल देता हूँ देवी के लिए, उसके हस्बैंड ने सिटी से भेजा है उसको दे देना एंड वो एक टी शॉप हायर की है उसमें उसको एक हेल्पर की ज़रूरत है वो तुम बन जाना। ओके अभी हम चलते हैं, हेल्पर की हमारी नौकरी की बात तो होगी। ओके टी शॉप थी तो हमें किसी और शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मच्छी वाली शॉप है एंड यही होगी टी शॉप। ओके इन्हीं का नाम है देवी जी, देवी जी आपके लिए कुछ है। ओके हमने उसको गिफ्ट दिया, ये कह रही हाउ ब्यूटीफुल रवि वाज गिफ्टिंग मी अ सॉरी इट्स अ कोल सिल्क इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव ओ आई मिस हिम सो मच। अरे यार कह रहे हैं जब हम साथ में हमने टी शॉप शुरू की थी जब हमारी शादी हुई थी। अरे हमें ये सब नहीं, आप ही बताओ हमें आप अपनी दुकान में काम करने दोगे कि नहीं। तो फटाफट से कह रही इट्स गुड बट आई नीड हेल्प मेक अ कप ऑफ ब्लैक टी फॉर मी, उसके लिए हमें। और ये कह रही यू कैन यूज़ माई ओल्ड क्ले किचन। अच्छा ये किचन जो क्ले किचन है वो मिट्टी वाला किचन वो हम यूज़ कर सकते हैं कह रही है। और ऑल्सो रिमेंबर ओके कि हमें कुक पॉट में ट्राई करना है एंड हमें टी लीव्स चाहिए, यही है क्या। ओके गाइज मिल गई हमें टी लीव्स मिल गई एंड हमें वुड कलेक्ट करनी है, आग लगाने को वुड भी कलेक्ट कर लिए मे भी, हाँ हो गया है।
और हमें क्ले चाहिए, क्ले से ही तो बनेंगे मिट्टी वाले बर्तन। ओके ये क्या है, क्ले है क्या? ओके क्ले क्ले क्ले, कंफर्म कंफर्म क्ले है ये। और अभी हमें फटाफट से जाना है लता दीदी की शॉप में, क्योंकि हमें जो आंटी ने कहा था, देवी आंटी ने, लता दीदी की शॉप में चलते हैं एंड और वुड कलेक्ट कर लेते हैं, शायद ज़रूरत हो। चलते हैं शॉप में देखते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ शॉप पे एंड इनसे बातचीत करते हैं कोक पॉट के लिए। ये कह रहे हैं वीर तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, गाइस सब हमारे इसी बारे में क्यों पूछ रहे हैं। और वीर कह रहा है हाँ मैं स्कूल में बिजी था, बहुत पढ़ाकू लड़का है ये। ओके तो सब इसी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मे बी हम बहुत अच्छे लड़के हैं, हम बहुत पॉपुलर हैं, हम आर्ट बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम होंगे। और अभी फ़िलहाल ये कह रही हैं मुझे दो किले दो एंड 50 रुपये, 50 रुपये हमें देवी दीदी देवी आंटी ने दिए थे जिनके हम और मिल चुके हैं, हमने 50 रुपये एंड दो किले दे दिए। गाइस अच्छा रहा था जो मैंने रास्ते में कलेक्ट कर ली थी किले। और राइट अभी आ चुके हैं हम यहाँ पर अपनी शॉप पर एंड ब्लैक टी बनाते हैं ओल्ड किले किचन में, ये डाल दी मैंने वुड एंड डाल दे वही लीव्स। ओके अपनी ब्लैक टी बनना स्टार्ट हो चुके हैं, आज इनको टेस्ट कराते हैं ये ब्लैक टी कैसी है, इनको कैसी लगी ये हमें बताएंगी। एंड आप लोग को भी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो आज की वीडियो कैसी लगी है। और गाइस अब हम देते हैं, ये कह रहे यू मेड द टी, लेट्स ट्राई फॉर मी, मुझे ट्राई करने दो, कह रही लेट मी ट्राई इट। ओके नॉट बैड फॉर माई फॉर योर फर्स्ट ट्राई, अच्छा तुम्हारे पहली बार तुमने बनाई है उस हिसाब से ख़राब नहीं है ये। और तुम अब सारी रेसिपी बनाने के लिए तैयार हो एंड लॉट ऑफ कस्टमर, इतने से गाँव में गई कितने कस्टमर होंगे। ओके और कई लोगों के पास तो खाने को नहीं है, कह रहे टी टाइम यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज है। एंड गाइस ये रहा हमारा किचन, अब हम आगे बनाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ये कमेंट जरूर से करना कि भाई कैसी लगी आज की वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।